दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ वेकफिट के पिलोज़ के। मैंने ये पिलोज़ इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि मुझे नेक पेन का प्रॉब्लम है और इसके रिव्यूज़ अमेज़ॉन पे काफ़ी अच्छे थे और प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल है, तो इसलिए मैंने ये अपने लिए ऑर्डर किया है। अभी मैं इसे अनबॉक्स करने वाली हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि ये कैसे आता है। आप इसका आउटर पैकेजिंग देख सकते हो, ये वेकफिट की ओरिजिनल पैकेजिंग है। थोड़ा सा डैमेज हो गया है बट पिलो है, इट्स नॉट ब्रेकेबल, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इसे अनपैक करते हैं। आसानी से पैकेट निकल चुका है, बिल बता देंगे अमेज़ॉन का। ओके, इसमें दो पिलोज हैं जो कि ऐसे हैं, साइड रखती हूँ। तो ये पैकेजिंग है, इसमें जो एक पिलो है वो ऑलरेडी थोड़ा सा पफ अप हो चुका है जैसा कि हम देख सकते हैं, और दूसरा जो है वो बिल्कुल ही कॉम्प्रेस्ड है। तो आई थिंक जैसे ही मैं ये प्लास्टिक बैग ओपन करूँगी तो ये इसका वैक्यूम ख़त्म हो जाएगा और ये पफ अप हो जाएगा। इसमें शायद इसका वैक्यूम डिस्टर्ब हो चुका है ऑलरेडी, और इसलिए हमारा पैकेट भी थोड़ा सा, वो जो बॉक्स था वो भी थोड़ा सा वो हो चुका था, डैमेज हो चुका था। देखिए, ये कट करते ही इसमें एयर जाना शुरू हो जाता है। ओके, आई विल कीप सीजर्स दिस साइड आल्सो। आई एम नॉट गुड विथ दीज ओपनिंग पैकेट्स, तो मैं क्या करने वाली हूँ, पूरे के पूरे पैकेट को कट कर देने वाली हूँ। ओहो, बी केयरफुल इन दैट। ये निकल गया। वो पिलो का जो साइज है वो अच्छा खासा है, ये देख सकते हो आप। इसके साथ हमें मिलता है एक्स्ट्रा कॉटन जो हम लोग बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं पिलो के साइज को एडजस्ट करने के लिए। वही इस पिलो की ये खासियत है, कहते हैं ना एडजस्टेबल है ये। अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे इसमें, जो आप, मैं आपको ये फोल्ड कर दिखाती हूँ फिर और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें दो प्लास्टिक पैकेजिंग है ऊपर से। ओके, फाइनली दिस इज आवर पिलो। वाओ, फैब्रिक काफ़ी अच्छा है और इसका साइज़ काफ़ी सही है। तो बस जैसे ही मैंने निकाला ये और भी ज़्यादा पफ हो रहा है, और मुझे लगता है अगर मैं थोड़ी देर छोड़ दूँगी तो और भी ज़्यादा इसका साइज़ बढ़ जाएगा। तो हम इसे थोड़ा साइड रखते थे, तो दूसरा ओपन करते हैं। इस साइड में वी कैन ओपन दिस जिपर एंड टेक आउट दीज हॉलो कॉटन फाइबर्स, अगर हमें ये निकालना है तो, और नहीं तो अगर हमें इसे और भी मोटा करना है तो ये हमारे इसके साथ में फ्री में ये कॉटन मिलता है जो हम इसमें डाल सकते हैं। मेरे लिए ये हाइट सही है तो मैं इसमें ज़्यादा कॉटन नहीं डालूंगी और ना ही मुझे निकालने की ज़रूरत है। बट अगर आपको लगता है तो यू कैन यूज़ इट, और अगर इस्तेमाल करने के कुछ दिनों बाद अगर ये दब जाए थोड़ा तो आप इसे फिर से थोड़ा सा बस हाथ से पफ अप कर सकते हैं कॉटन को बाहर निकाल के। अभी ये काफ़ी अच्छा है इसका फैब्रिक और सब कुछ। इसके ऊपर मैं एक पिलो केस ऑब्वियसली लगाने वाली हूँ, बट ये जो ओरिजिनल फैब्रिक है वो भी बहुत ही सॉफ्ट है, माइक्रोफाइबर है, डस्ट वगैरह से दूर रहेगा ये, तो अच्छा है मेरे हिसाब से। यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस।